आज ये पूरी भीड़ यहाँ अश्विन को देखने आई है। ये बॉक्सिंग में सिल्वर मेडल जीत कर आ रहा है और ये इंडिया के लिए बहुत गर्व की बात है। सारे लोग उसे खुशी की नजर से देख रहे हैं, सिर्फ मैं किसी और नजर से देख रहा हूं। मैंने इससे लड़ने का फैसला कर लिया है। मैंने आज तक कोई भी फाइट किसी से नहीं जीती, लेकिन इसे तो मैं हरा के ही रहूंगा। मेरा लक्ष्य यह नहीं है कि मैं इसे हराकर ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतूं। मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है और वो है इसे हराना। इसे कैसे मारूंगा, बस यही सोच रहा हूं। इसकी और मेरी दुश्मनी दुनिया की नजर में चाहे कुछ भी हो, लेकिन मेरी जिंदगी में जो घटना घटी है उससे मुझे उभरने के लिए मुझे इससे लड़ना ही होगा। इसकी वजह से मेरी पूरी जिंदगी पल भर में ही बदल गई। ये मेरी जिंदगी में एक बुरे सपने की तरह है जिसे मैं जल्द से जल्द भूलना चाहता हूं। आप सब ये सोच रहे होंगे कि मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूं, तो आइए मैं आपको मेरी पूरी कहानी सुनाता हूं। हर रोज की तरह मैं ऑफिस जा रहा था और अचानक ही मेरे साथ ये हो गया। वो सच तो नहीं बोल रही थी? अच्छे से याद कर यार, स्कूल में, कॉलेज में, बगल के घर में, किसी फंक्शन में, कहीं तो तुझसे मिली होगी वो। यार तुझसे कहा ना कि मैं आज उससे पहली बार मिला हूं। हाँ माँ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ बेटा, कोई भी लड़की तुझे देखते ही आई लव यू बोल देगी। देखो समझ रखा है, अच्छी खासी कहानी बना रहा है तू। माँ देखो मुझे परेशान मत करो, पहले फोन रखो। ठीक है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, ऐसे कैसे कोई लड़की देखते ही आई लव यू बोल देगी। हाँ पर उसने बोला ना मनी, जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। अरे देखना ये डूड कितना हैंडसम है ना। पता नहीं लड़कियों को आप कहाँ से इतना हैंडसम लग रहा। इस राज का पता लगाना ही पड़ेगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं मनी? अभी तो कहा मैंने खूबसूरत लड़कियाँ आप ही के पीछे क्यों पड़ती है, इसका पता लगाना पड़ेगा। यार मनी तू भी तो हैंडसम दिखता है, बुरा क्यों मानता है? बस हो गया। विनोद सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मनी। हाँ
आज तुम बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। हाँ, लग रहा हूँ। इस गधे के बोलने का क्या फायदा, अगर कोई लड़की बोले तो मजा भी आए। मनी, वो जो बोल रहा था वो सच था या झूठ? आपको क्या लग रहा है? मुझे तो सच लग रहा है। तब तो पक्का झूठ है। ऐसा क्यों बोल रहा है? गर्ल्स का ऑपोजिट क्या है? बॉयज का ऑपोजिट क्या है? गर्ल्स। वही तो, कभी भी आदमी की सोच के ऑपोजिट सोचना ही सही होता है। मतलब वो जो बोला वो झूठ था? सुनिए ना, मुझ पे यकीन करके इतने बड़े मॉल का मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बना दिया, अब जरा सैलरी भी बढ़वा दीजिए। हाँ, देखते हैं। क्या सुबह सुबह यहाँ टाइम पास कर रहा है, चल जाके काम कर। हेलो सर, यहाँ सब कुछ ठीक तो? हाँ, है ना? सब ठीक है। प्रपोज करने वाला है ना? हाँ सर, फ्रेंड करने वाला है। ओके, यहाँ की सिक्योरिटी सब संभाल लेगी? ओके। पुलिस परमिशन तो ले ली है ना? हाँ, सब रेडी है सर। ओके, थैंक यू सर, सी यू, बाय। ए मणि। जी सर। हमने कहाँ पे छोड़ा था? सबवे पे छोड़ दिया था उसे। वैसे सर, पहले किसी ने ऐसा कुछ बोला है? चुपचाप काम कर अपना, जा। थैंक यू सर, मुझे लंबी लंबी फेंकते रहते हैं। हेलो सर। सुनो, सब तैयारियां हो गई ना? जिसे जानती नहीं उसे आई लव यू बोलूंगी क्या? पागल समझा है मुझे? मैं उसे पहले से ही जानती हूँ। पहले से ही? पर कैसे? कैसे क्या, उसे ही पता करने दो। सर, मैं जाके कार निकालती हूँ, आप आ जाइए। इतने दिनों से तुम्हें काम दिया गया है, अभी तक हुआ क्यों नहीं? मुझे तुम्हारे और कोई बहाने नहीं सुनने, मैं तंग आ गया हूँ तुम्हारे बहानों से। काम जल्द से जल्द खत्म करो। ऑफिस में बहुत काम है, मुझे आने में देर हो जाएगी, और खाने में नमक कम रखना। आई बात समझ में? पता है ना मुझे ब्लड प्रेशर की बीमारी है। सब कल मेरे भैया ने यूएस से फोन किया था, वो न्यू जर्सी शिफ्ट हो रहे हैं। माँ का उनके साथ रहना उनके लिए हेल्पफुल साबित हुआ, बच्चों को भी वो पसंद है। अब भैया को लग रहा है कि मैं यहाँ पर अकेली पड़ गई हूँ। उन्होंने किसी ब्रोकर से बात की और वो घर पर भी आ गया था। फोटो लाया है साथ में, निकाल कर देखिए ना, दूल्हे का फोटो। ये लड़का महीने के 40,000 कमाता है और इसका खुद का घर भी है। इसकी माँ के दो पति हैं, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस लड़के का नाक थोड़ा खराब है, लेकिन ऑपरेशन के बाद ठीक हो जाएगा। इसके बाप से बात कर ली है, ऑपरेशन का खर्चा उसका रहेगा, दहेज में से काट लेंगे। ये देखो, इसकी उम्र थोड़ी कम है, लेकिन क्या है ना, टाइफाइड की वजह से इस बेचारे के थोड़े बाल झड़ गए हैं। 10,000 बाल लगाने से पूरा एरिया आराम से कवर हो जाएगा। 5,000 बालों का खर्चा हमारा और 5,000 बालों का खर्चा उनका, वो भी हम दहेज में काट लेंगे। मेरा कमीशन 5% शादी होने पर दे देना। अगर कभी तलाक या कोई भी प्रॉब्लम होगा तो उसको मैं सॉल्व कर दूंगा, उसका मैं कमीशन लूंगा सिर्फ 10%। जब से इन ब्रोकरों पर विश्वास करके लोगों ने शादी करना शुरू किया है, ग्रह कलेश शुरू हो गया है। ऐसे बात कर रहा था जैसे वो कोई सेल्समैन हो। इनकी जगह तो जू में होनी चाहिए। ऐसा कोई ऑप्शन होता तो तुम जैसी लड़कियां बहुत खुश होती। मिस्टर रघु आ जाइए। सर, आपको बुला रही है। तो रघु जी, हाउ आर यू टुडे? फाइन। क्या हुआ बताइए? ये सामने वाला दांत टूट गया है। ठीक है, मैं देखता हूँ, जरा मुंह खोलिए। और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ओके जी, गिव मी 2 डेज, मैं कैब बना देता हूँ। Thank you.
यार लोग तो प्यार के लिए क्या क्या करते हैं, और एक मैं हूँ जो अब तक उस लड़की को नहीं ढूंढ पाया जो मुझे प्रपोज करके चली गई। मणि, कल सबवे में वो मुझे 5 बजे मिली थी, आज उसे मिलके पूछूंगा कि वो कौन है। कल 5 बजे मिली थी तो आज भी 5 बजे मिलेगी, ये जरूरी है क्या? मुझे तो यकीन है वो जरूर मिलेगी। चलो देखते हैं। जल्दी चलना, कहां से आएगी वो? सर वो है क्या, कमाल की है। अबे वो बहुत छोटी है समझा, इससे छोटी। हाँ न जाने, मुझे लग रहा है कि यही होगी। सर ये लड़की है क्या, कितनी अच्छी है। ओए हाँ? वो इससे बड़ी लड़की है। सर कभी बोलते छोटी कभी बोलते बड़ी, कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? बीच की लड़की है, एज में साइज में हाइट में। अबे तू वहां जाके वेट कर, मैं उसे ढूंढ कर आता हूँ, जा जा रहा हूँ। मणि मैंने कहा ना तुझसे मैं उसे ढूंढ कर आता हूँ। मणि जा ना यार। मणि तू चल चलते। क्या हुआ सर, मिली क्या? नहीं बाद में देख लेंगे, चल। क्या सर आप भी ना। ए जाना, अभी जा। ए जाना। ए ये आजकल के लड़कों को तो शर्म नहीं रही। मैडम आपको तो कुछ नहीं कर रहा है ना, जाइए जाइए। ए बात ये क्या है सर? ए, अरे वो मेंटल है, चल चलते। उसका और आपका कोई चक्कर तो नहीं ना? अरे मुझे जब भी देखता है तो ऐसे ही चला आता है, पर क्यों आता है ये पता नहीं, लगता है मुझे कच्चा चबा जाएगा। सुना है लोग प्यार में पागल हो जाते हैं सर, लेकिन ये पागल होने के बाद प्यार कर रहा है क्या? मुंह बंद कर और चल। हाँ कमिंग। हाय। हाय। चपाती दो दो चार। ओके। इनके जैसी काम वाली मिलना बहुत मुश्किल है, अब तो इशारों में बात करने में तुम भी एक्सपर्ट हो गई। पार्वती जो बोलती है मुझे नहीं समझ में आता, मैं जो बोलती हूँ उन्हें नहीं समझ में आता, लेकिन हम इशारों में बात कर लेते हैं, जोक्स भी मारते हैं। मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ क्या? इतनी तो नहीं लग रही। तुम्हें पता है क्या शुभी, हमारे ऑफिस में जो एडिटर है वो कहता है मेरा फिगर बहुत अच्छा है, मुझे उससे डर लगने लगा है। ऐसा कुछ नहीं है, तू घबरा मत। तुम पूछ रही थी ना मैं उनकी बात कैसे समझती हूँ। मैंने चपाती मांगी थी और वो डोसा ले आई। चपाती भी गोल होती है और डोसा भी। हे, क्या तुम्हें वो मिला था? कौन? वही सबवे वाला लड़का। इतनी जल्दी मुझे ढूंढ लेगा? आई डोंट थिंक सो। आज करेक्ट टाइम पर आए हैं, आज तो जरूर मिलेगी वो। इतनी कोशिश कर रहे हैं आप तो मिलनी ही चाहिए। प्लीज आ जाओ ना। इस पूरे शहर में मैं तुझे ही ढूंढ रहा था। You dog? तू डॉग है। डॉग मतलब कुत्ता। सिर्फ तुझे गाली देने के लिए मैंने हिंदी सीखी, इससे भी गंदी गंदी गालियां आती है मुझे, दूं क्या तेरे को?
जब इस शहर में पहली बार तू मुझसे मिला था ना, मैं तब से रोजाना गाली देने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अब ये क्या है सर? पता नहीं मणि, एक दो बार इसे आते जाते हुए देखा तो है मैंने, लेकिन गाली क्यों दे रहा ये नहीं पता। पूछे ना आखिर बात क्या है। ब्रो मुझे गाली क्यों दे रहे हो? मैं क्यों गाली दे रहा हूँ? तुझे नहीं पता क्या? हाँ? नहीं पता है तुझे? मणि चल भागते हैं। अबे क्या कर रहा है? रुक अबे रुक रुक। अगर दोबारा कहीं मिला तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। अगर तुझ में थोड़ी भी हिम्मत है तो मेरे शहर में आके मुझसे लड़के दिखा, समझा? असली लग रहा है ना? किसी को बताएंगे नहीं तो पता भी नहीं चलेगा। तो बोलिए सर। मैं कहां से शुरू करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा। तुम सबसे कहती हो कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं सुनकर अच्छा लगता है। आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। ये लो पढ़ो। माय डियर सुभि, आई वांटेड टू टेल यू दिस फ्रॉम द फर्स्ट मोमेंट आई सॉ यू। I've been waiting for you since that day with lots of love. I love you. ये क्या है सर? ऐसा क्यों किया? मैंने उसे बहुत समझाया पर वो माना नहीं। जानती हूँ लंच टाइम में उसने क्या किया। छोड़ो सब देख रहे हैं। देखने दीजिए सर, अगर आप बोलेंगे तो कुछ हो जाएगा। मैं सिंसियरली उससे बहुत प्यार करता हूँ। सिर्फ एक बार मेरी तरफ से बात करके देखिए ना। अरे अशोक, चुपका नहीं तो दूंगा। अशोक पहले उठो। नहीं नहीं, आप वादा करेंगे तो ही उठूंगा। ठीक है, मुझे लिख कर दो, मैं उसे दे दूंगा। ओके। क्या सर, पैर पकड़ लेगा तो आप कुछ भी कर लेंगे? ऐसी बात नहीं है। चलिए मैं भी पकड़ लेती हूँ। नहीं सर प्लीज। अरे सुभि सर, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी सर। क्या कर रही है सुभि? सर ऐसा मत कीजिए सर। तुम ऐसा मत करो प्लीज। आप भी ना सर, किसी की भी बातों में आ जाते हैं, बहुत भोले हैं आप। एक लड़की को पटाने के लिए आजकल कोई कुछ भी करने के लिए तैयार है। पैर पकड़ेंगे, आग में कूद जाएंगे, भगवान को प्रसाद चढ़ाएंगे और ना जाने क्या क्या करेंगे। ड्रामेबाज होते हैं सब। मेरे साथ बहुत गलत हुआ है सर, उसने तो इस पे ब्रो लिख दिया है। आप जरा उस पे जोर दीजिए ना प्लीज। आप बोलेंगे तो वो मान जाएगी। अशोक मैंने पूरी कोशिश की लेकिन वो नहीं मान रही, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तुम खुद बात कर लो। सुभि, बॉयफ्रेंड को गर्लफ्रेंड अगर भाई बोले तो पता है कितना बुरा लगता है। हम दोनों एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट है। देखो सेम कलर की पैंट्स। तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करती, मुझे सही जवाब दो। जवाब सुनना है तो मैं किसी और से प्यार करती हूँ, सुन लिया? तुम किसी और से प्यार करती हो? कौन है वो मुझे बताओ अभी। अगर वो मुझसे अच्छा हुआ तो मैं मान जाऊंगा। जाना अशोक, मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ वो किसी और से शादी करेगी, मुझे ये मंजूर नहीं। जाना यार। नहीं सुभि, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और बस। मैंने कहा ना जा। जाऊंगा, पहले जवाब दो। तू ऐसे नहीं जाएगा, रुक। सुभि जा यहाँ से। क्या सर, आपने बोला था 5 बजे आएगी, 7 बज गए, अब तक कुछ पता नहीं उसका। मनी प्यार में इंतजार करना पड़ता है दोस्त। प्यार तो आप कर रहे हैं, इंतजार मैं भी कर रहा हूँ। मनी मैदान में हमेशा प्लेयर्स अच्छा खेलते हैं लेकिन कप लेने के लिए तो कैप्टन ही जाता है ना, इसका मतलब कैप्टन नहीं खेल सकता क्या? बस वैसे ये भी है। कोई ना कोई मुसीबत पीछे आ ही जाती है। अरे डर मत, कुत्ता अगर काटता है ना तभी इंजेक्शन लगते हैं। ये बात तो तुझे बचपन से पता है। तुझे याद है बचपन में कुत्ते को हमेशा पत्थर मारा करता था तू? उन्हें भी याद होगा इसीलिए वो तेरे पीछे पड़ते हैं। डर मत, कुछ नहीं होता, उसने काटा तो नहीं है ना। माँ तुम फालतू में बचपन की बातें क्यों कर रही हो? मुझे कुछ नहीं जाना कि मैंने बचपन में क्या किया। अभी मैंने आपसे पूछा क्या? अब से कुत्ते की बात आप भी नहीं करना और मैं भी नहीं करूँगा। महीने में सिर्फ एक बार मिलने आता है अपनी माँ से और आते ही बस इधर उधर की फालतू बातें करने लगता है। माँ नाराज क्यों हो रही है? नाराज नहीं होंगी तो क्या करूँगी, ज्यादा बातें मत बना। कुत्ता पीछे पड़ गया या मच्छर ने काट लिया तभी माँ की याद आती है। मतलब मैं क्या उस कुत्ते की वजह से यहाँ आया हूँ? और साथ में कॉफी पीते हैं? नहीं सर, अभी लेट हो रहा है, फिर कभी आऊंगी।
ओके बाय। माँ 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 पिताजी आ गया, मैं निकलता हूँ, मुझे स्लीपर दो, जल्दी जल्दी दो ना। ऐसे और कितने दिन अपने दोस्त के घर रहेगा बेटा? देखता हूँ माँ कब तक। और हाँ, हमारे बीच जो भी बातें हुई वो किसी को मत बताना। वो ठीक है ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, इतना बड़ा घर है हमारा और वो दोस्त के घर पे रहता है। पता नहीं कब आपका मन करेगा उसे घर बुलाने का। वो ठीक है कि नहीं यही पूछते रहो। मुझे सब बेवकूफ कोई हो सकता है क्या? मैं कौन हूँ ये वो नहीं जानती, वो कौन है ये मैं नहीं जानता, बस लव यू बोल दिया और चली गई। क्या ये पागल, देखो अकेले ही बड़बड़ा रहा है। हाँ, अब चाहे वो आई लव यू वाली लड़की आए या ना आए, मैं उसका एक मिनट भी और इंतजार नहीं करूंगा। सुन, आज से ये विनोद हमेशा के लिए बदल चुका है। सर आपका वक्त बदल गया है। 1000 वोल्ट के बल्ब जैसा चमकता चेहरा, परी है परी, जैसे स्वर्ग से आई हो। जैसा आपने बताया था वैसी। ये तो क्या बोल रहा है? हाँ सर, सपने में जिसने आई लव यू बोला था वो आपको ढूंढते हुए यहाँ ऑफिस पे आ गई है। अबे पकड़ पकड़ उसको, जाने मत, मैं आ रहा हूँ। सर कमाल की थी, क्या बात है। कहाँ ऑफिस में है क्या? चली गई वो। अबे फोन नंबर दिया? नहीं दिया। फिर आपको उसका नाम तक नहीं पता और उसने ये भी पता लगा लिया कि आप काम कहाँ करते हो। इसका मतलब है उसका आई लव यू सच्चा था सर। तू सच बोल रहा है? और क्या सर। हाँ चाहा जब से तुझे मेरे यार, दिल ये बस में नहीं मेरा, आना थाम लो मुझ को जरा, के ये होश जाने कहाँ खो गया। अब अपना ठिकाना तुझे देख मेरा दिन ढल, तुझे पाके हमें जाना उस दूर गगन पे, ले इस चेहरे ने छीना मेरा चैन। जहाँ जब से तुझे मेरे यार, दिल ये बस में नहीं मेरा, कहाँ खो गया। कैसी तेरी बेरुखी, बढ़ती मेरी बेकरारी, थोड़ी सांसें मेरी छू ले तेरी सांसों से, महकी है किस्मत मेरी दस्तक जब तूने दी, अब आजा मेरी जिंदगी को महका दे। तेरी चाहत मेरी चाहत जब से गई मिली, मुश्किल है अब जीना हमको तेरे बिन, सूझना कुछ भी दिल को दे राहत थोड़ी। चाहा जब से तुझे मेरे यार, दिल ये बस में नहीं मेरा। जो तू नहीं आस पास मेरे, पागल हो जाऊं तभी, यारो संभालो मुझे मैं कहीं न गिर पड़ूं, ना तड़पा मुझे इस अदा पे, मरता हूँ इन
आंखों के तेरे वार से न मर जाऊं, पलकों पे मेरी तुझको बिठाऊं मैं, सांसों को सांसों में घुल जाने दे, आंखों में बसा ले सपनों को सजा ले, सपनों क्या बात है सर, आज सबवे में नहीं गए? नहीं, अगर वो कल की तरह यहाँ आ गई तो? सर लेकिन जरा बच के रहना, अक्सर लड़की अब बोलती कुछ और है और होता कुछ और है। हाँ ये तो मुझे भी पता है, लेकिन यहाँ बिना प्यार की कोई रह सकता है? अब मेरा टाइम आया तो मुझे फालतू की एडवाइस मत दे, मुंह बंद कर और निकल, खुद को कुछ पता नहीं और मुझे सिखा रहा है। भलाई का जमाना ही नहीं है, किसी को अच्छी बात पसंद ही नहीं आती। छोड़ो मुझे भी कम परेशानी नहीं है। क्या मुसीबत है, ये फेरी वाले सोने भी नहीं देते। क्या आइटम है बे? नाम क्या है? जीनी विनी ब्रेड। ब्रेड जैम, ये कैसा नाम है, इसका मतलब क्या है? किस्मत आसमान को छुएगी। अच्छा आसमान को छुएगी, किसने नाम रखा है? मेरे डैड ने। उनका नाम क्या है? सेबेस्टियन। उनका नाम तो ठीक ठाक है, फिर तुम्हारा नाम क्यों इतना आलतू फालतू और अजीब और गरीब रखा है? हेलो आपको कौन चाहिए? तेरा दोस्त, कल ऑफिस गई थी मिल नहीं पाई इसलिए आज यहाँ चली आई। एक मिनट। बोल यार। अरे कौन है ये लड़की? फालतू की बकवास किए जा रही है। हा? कौन है? वही जो कल तेरे ऑफिस गई थी, तू वहाँ नहीं मिला ना इसलिए यहाँ चली आई। अरे अरे उसे जाने मत देना, उसे बात करते रहना, मैं बस पहुंचता हूँ। कहाँ है वो? अच्छा वो चली गई, वरना तू नहीं बचता। अबे तुझे बोला था ना मेरे आने तक बात करते रहना। वैसे कौन थी वो? सबवे में जिसने मुझे आई लव यू कहा था वही थी वो, सोचा आज उससे मिलूंगा, सब बिगाड़ दिया तूने। अरे बाप रे, पता होता तो उसे अंदर बिठा के और बातचीत करता। लड़की है तो बहुत खूबसूरत, लेकिन बोलती बहुत है यार। प्लान करना पड़ेगा। सुभी, क्या है? सुभी क्या है, तुम्हें मेरा फिगर अच्छा लग रहा है क्या? नहीं। थैंक यू मैम। ए, क्या हुआ? तू जरा इसका काम संभाल, मुझे कहीं जाना है। ठीक है, उस काउंटर पर जाइए प्लीज। चलिए इसे कॉफी पीने चलते हैं। लेकिन सुबह कस्टमर्स बहुत। रुत्वी हैंडल कर लेगी। सुबह आज शाम को तुमसे एक जरूरी बात करनी है। फिर से उस अशोक का मैटर मत शुरू करिएगा। नहीं करूंगा। सुबह काम होगा। नाइस कॉफी है ना सर? या रियली नाइस, यू नो आई ऑलवेज कम हियर। ए जाना। हाँ ए कहाँ है तू? मैं सबवे आ गया हूँ सर। एक मिनट रुक, मैं कॉल कॉन्फ्रेंस में डाल रहा हूं। ए, मैं नहा धो के तैयार हूँ। मैंने फॉर्मल कपड़े पहने, ओके? या फिर टी शर्ट और जीन्स पहन लूँ? अबे तू किस लिए नहा धो के तैयार हो रहा है? तू परफ्यूम लगा रहा है? हाँ यार। ओ, तब तो क्रीम भी लगाई होगी। वो भी लगाया है। लिप बाम? ए ये सब तो अभी क्यों कर रहा है? जब वो यहाँ आएगी और मुझे बिना नहाए देखेगी तो क्या सोचेगी तेरे बारे में कि तू भी ऐसी गंदा होगा? ये सब तो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तू मेरा दोस्त है, और क्या? तू बोल तो उतार दूँ? नहीं नहीं, तुम दोनों लाइन पे तो हो ना? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, जब वो आएगी तो पता है ना क्या करना है? मैं कुछ नहीं करूंगा। ए, अरे कॉन्फ्रेंस में हो यार, एक एक करके बात करो, समझे? उसको पहले बोल बोलने के लिए। अरे बोलना मणि, पहले उसको बोलो बोलने के लिए। तुम दोनों भी मत बोलो यार, पहले मेरी बात सुनो। अगर वो वहाँ आई तो मेरे आने तक उसे वहीं रोक कर रखना, और नहीं रोक पाए तो कम से कम उसका फोन नंबर तो ले लेना। ओके। हेलो मणि, वहाँ पर क्या हाल है? हाँ यहाँ पे तो काफी भीड़ है सर। अबे मैं वो सब नहीं पूछ रहा हूँ, वो आ रही है कि नहीं ये देख रहा है ना? वही तो देख रहा हूँ सर।
अरे विनी तू क्या कर रहा है? अरे यार एक मिनट सुनना, किसी ने मैसेज भेजा है, अर्जेंट बुलाया है, मैं जा रहा हूँ। बाय बाय बाय, तेरे से बाद में बात करता हूँ। अबे 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 अबे, मणि तू तो लाइन पे है ना? सर कमाल है, उसे ही फॉलो कर रहा हूँ। ए पकड़ पकड़, जाने मत। लेकिन क्या आपको ये लड़की चलेगी? क्या बोल रहा है? ये वाली उससे भी प्यारी है, अगर आप बोलो तो मैं बात करूं। अगर मान गए तो मामला फिट। अभी तू क्या कर रहा है? उसको फॉलो कर रहा हूँ सर। ओ चल ठीक है, उसी को फॉलो कर। सर मैं बताऊँ आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ हाँ बताओ। आपने मेरे लिए एक लड़का ढूंढा है ना? तुमने कैसे जान लिया? बस ऐसे ही। वैसे लड़का कौन है और करता क्या है? मेरे दोस्त का बेटा है, उसका अपना खुद का घर भी है। उस लड़के को मैं बचपन से जानता हूँ, बड़ा टैलेंटेड है, अच्छा है, इसलिए मैंने तुमसे पूछे बिना ही बाय तुम्हारी फोटो उसे भेज दी है। उसकी फैमिली को तुम बहुत पसंद भी आई। बाय। ए जाना। पिछले हफ्ते वो यहाँ बैंक पे आए 3 बार, तुम्हें पसंद करके बस तुम्हारी हाँ की जरूरत है। तुम्हारा क्या फैसला है सुभी? आप क्या चाहते हैं सर? अगर इस घर में शादी हुई तो मुझे बहुत खुशी होगी, बहुत अच्छे लोग हैं, लड़का भी अच्छा है, ये रिश्ता मना मत करना। सुभी बाय। बाय बाय। सर एक्चुअली मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, पर आज नहीं। सारे काम हो जाने चाहिए। सॉरी सर, वो सर की गर्लफ्रेंड आई है ना। अरे कहाँ है, कहाँ है? तुम लोग भी काम के टाइम पर ये सब क्या करते हो? अब तो सीरियस हो जाओ, उधर जाओ। जी सर। कहाँ है वो? अरे बोलना कहाँ है? यहीं पे। हाय। क्या हाय? तुम्हें आई लव यू बोल के पूरा एक हफ्ता हो गया है। सोचा था मुझे ढूंढ लोगे लेकिन वो तो हो नहीं पाया। नहीं मैं तो खुद चल गई। अरे ढूंढ रहा था। शहर में किसी अच्छे फिगर वाले को ढूंढने में इतना टाइम लग जाता है? ओहो बहुत मुश्किल है मैडम, ढूंढते ढूंढते ऐसी तैसी हो गई। मुझे तो जो मिली उसी के साथ जिंदगी बिता रहा हूँ। मुझे लगता है तुम्हारे फ्रेंड को मेरा फिगर अच्छा नहीं लगता। अरे तुम्हारा फिगर तो कुछ ज्यादा ही अच्छा है, इसलिए तो एक हफ्ते से मॉल सब ऑफिस कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें। देखो ना मेरा तो वजन भी कितना कम हो गया है। सच में? हाँ। ठीक है, हम दोनों फर्स्ट टाइम कहाँ मिले थे तुम्हें याद है? हम दोनों सबवे में मिले थे। नहीं उसके भी पहले। उसके भी पहले नहीं मिले थे। मई 5th को कौन सा दिन है याद है? मई 5th हाँ केतन चड्डा का बर्थडे। गॉड, उसी दिन मैं तुमसे फर्स्ट टाइम मिली थी। यहाँ कोई है जो मेरी बात को समझ सकेगा? हे विनोद, रुको, कहाँ जा रहे हो? गलती हो गई माँ। क्या हो गया? तुम हमेशा कहती थी ना कि मेरा लाडला बेटा कितना अच्छा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है माँ, मैं बिगड़ गया हूँ। क्या किया तूने? अगर अभी मैं सच भी बोल दूंगा तो तुम मुझे माफ नहीं करोगी माँ। तूने शराब पी है ना? माँ तू शराब पीने जा रहा है, मुझे पहले से पता था। तूने बड़े मामा को फोन करके उनसे परमिशन मांगी थी ना, उन्होंने मुझे फोन किया। मैंने कहा फर्स्ट टाइम है, कोई बात नहीं परमिशन दे दो उसे। इसका मतलब तुम अपने इकलौते बेटे को बिगड़ने की परमिशन दे रही हो? मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, कसम से माफ नहीं करूंगा। बेवकूफ, क्या हो गया तुझे? सब मुझे कितना अच्छा लड़का समझते हैं, अब पता नहीं मैं उन्हें क्या। चल मुझे निकलना होगा। ओके सी यू, बाय। हे सुभी, सुनना ये मेरा फ्रेंड है और इसने फर्स्ट टाइम शराब पी है, ये बहुत गिल्टी फील कर रहा है, तुम इसे ड्रॉप कर दोगी क्या? प्लीज ड्रॉप करूं? हाँ प्लीज कर दो ना प्लीज। हाँ ठीक है।
हेलो, कहाँ जाना है बताओगे? सीधे जाकर फर्स्ट राइट ले लीजिए, फिर यू टर्न मार के ब्रिज पर चढ़ के स्विंग से नीचे। तुम लेफ्ट राइट बताते रहना, मैं समझ जाऊंगी। हेलो हेलो, इतनी रात को फोन करके क्यों परेशान कर रहे हैं? सर, मैंने आपसे कहा था कि मेरी कोई बुरी आदतें नहीं है सर, लेकिन उस पे मैं खड़ा नहीं उतर पाया सर। मैंने दारू पी सर, मुझे माफ कर दीजिए सर। हाँ ठीक है, माफ कर दिया। और माफी मांगनी है तो कल ऑफिस में मांग लेना। सर, माफी मांगने वाला भगवान, माफ करने वाला इंसान, आप मुझे इंसान लग रहे हो सर। चल अब फोन रख, डिस्टर्ब मत कर। कट कर दिया। सीधा चलिए सीधा। सर, मैंने पी ली है, मुझे माफ कर दीजिए सर। hey, हर साल मैं आने वाले सारे स्टूडेंट्स को तुम्हारा ही एग्जाम्पल देता हूँ कि तुम कितने अच्छे हो। तुम ही ऐसा करोगे तो कैसे चलेगा? सर, तो मैं वॉमिट कर देता हूँ सर। तुझे इस बार मैं माफ कर देता हूँ। ड्राइवर, गाड़ी थोड़ा साइड में रखो। तुम्हें जहाँ जाना है मैं वहाँ छोड़ दूंगी, लेकिन गाड़ी बीच में नहीं रखूंगी। प्लीज ड्राइवर। फूकमार, फूकमार, ऐसे नहीं, ऐसे मार। हे, ज्यादा शाना बन रहा है क्या? ड्रिंक एंड ड्राइव का चार्ज लगा दूंगा तेरे ऊपर। आपको देखकर लग नहीं रहा है कि मैंने पी रखी है सर? लग तो रहा है, लेकिन हमारे रूल के हिसाब से तुम्हें फूक मार कर दिखाना होगा। मैंने ड्रिंक की है सर। अबे दारू पीकर गाड़ी चलाना था ना? ड्राइवर ने तो नहीं पी है ना सर। हे, जाकर चेक करो। ओके सर। चलो फूक मारो। सर, मैं ड्रिंक नहीं करती हूँ। वो तो अब पता चल ही जाएगा, फूक मारो। और एक बार मारना जरा। सर, पता नहीं इस लड़की ने आखिर क्या पी रखा है, बदबू तो नहीं पर खुशबू आ रही है। ऐसी बात है? मिंट वाला च्युइंगम खाया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। अपना हाथ सीधा करो। अब भी डाउट है, एक बार नीचे उतरो, चलकर दिखाओ। मस्त माल है ना? क्या कहा? अभी मजा नहीं आया, उससे बोलो कि और चले। हेलो, चलो चलो थोड़ा और चल के दिखाओ। आ जाओ। जाइए। अब कहाँ जाना है? यू टर्न ले।
लगता है ड्राइवर को यू टर्न समझ में नहीं आया। ड्राइवर 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 क्या है? वो पी गया ड्राइवर। अब समझ में नहीं आ रहा है ड्राइवर। वॉमिट करना है? देखो तुम्हें ड्रॉप करते हैं, उसके बाद जो करना है करो। नहीं ड्राइवर, पहले मैं निकाल रहा था, अब अपने आप आ रही है। प्लीज प्लीज ड्राइवर। ड्राइवर खाली आवाज आ रही है। ड्राइवर बहुत हो गया। ए रुत्वी, इसकी हरकतें मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। ए प्लीज उसे ड्रॉप कर दे यार, वो तो पार्टी में आ भी नहीं रहा था, मैंने ही जबरदस्ती की थी, और अब अगर वो घर नहीं पहुंचाना तो मेरी वाट लग जाएगी। प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ ठीक है। गरीब के चेहरे पर जो खुशी है उसमें भगवान दिखता है, और मुझे तुम में भगवान दिख रहा है। वहाँ पर ड्रेस पे ड्रेस, ड्रेस पे ड्रेस, ड्रेस पे ड्रेस पहन रहे हैं, और भगवान ने फटे हुए कपड़े पहने हैं। ये लो पहन लो, पहनो ना। ये हुई ना बात। शू कमाल के शूज हैं। पीछे पीछे बैठो। नहीं नहीं, बाय बाय दोस्त। तुम जो रास्ता बता रहे हो मुझे नहीं लगता वो सही है। सीधे जाके राइट, फिर यू टर्न ब्रिज पे। अरे ब्रिज ही गायब है। मेरा कल बर्थडे है, मुझे कल सुबह जल्दी उठकर मंदिर जाना है, फोटो निकालना है, मुझे जल्दी सोना है। क्या कहा, कल तुम्हारा बर्थडे है? तो रुकिए 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 रुकिए, ड्राइवर रुकिए, गाड़ी रुकिए। एक हेलो एक्सक्यूज मी, सुनो चुपचाप अंदर बैठो वरना मैं छोड़ कर चली जाऊंगी। अभी दो मिनट में तुम्हारा बर्थडे आ जाएगा, गिफ्ट नहीं देना पड़ेगा क्या? रुको लेके आता हूँ। जो हेलो गिफ्ट नहीं देता वो मर्द नहीं अंदर होता। आकर बैठो। और जो अरे सुनो तो रुको यार। हेलो एक गिफ्ट लेना है। अरे ताला लगा हुआ है। बर्थडे गिफ्ट में ये शेर ही उठा के दे देता हूँ, खुश हो जाएगी। तू नहीं आया तो क्या हुआ, तेरा जोड़ीदार तो है। चल पैकिंग करते हैं, आज का बर्थडे गिफ्ट तू है। ओके बेटा
जहाँ भी रहना मालिक की वफादारी करना, ठीक है? ये लो। ए, ये क्या कर रहे हो, छोड़ो इसे। तेरी मेहरबानी फिल्म याद है ना? अरे यार ये भी उसमें कुत्ता वफादार है ना, ये भी बिल्कुल वैसा ही है, बहुत प्यारा है, मेरी तरफ से प्रेजेंट। ये लो। नहीं नहीं रख, मुझे रख, नहीं चाहिए, मुझे मत देना प्लीज। ना का सवाल ही नहीं उठता, तुम्हारा बर्थडे है, लेना ही पड़ेगा। नहीं चाहिए, प्लीज, प्लीज। अच्छा ठीक है, पीछे रख दो। चल बेटा। कहाँ फंस गई? बैठ गया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हेलो हेलो बेबी, मैंने ज्यादा पी ली है, जाने अब क्या होगा, मैं हूँ बेखबर, थोड़ा संभाल मुझको, बहका जा रहा मैं, आज की रात सुहानी सी लगे, ओ ओ ओ, आज अलग सी खुशी है, ओ ओ ओ, इस खुशी में मैंने पी ली है, हैप्पी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। हेलो हेलो बेबी, मैंने ज्यादा पी ली है, जाने अब क्या होगा, मैं हूँ बेखबर, थोड़ा संभाल मुझको, बहका जा रहा मैं, आज की रात सुहानी सी लगे। खुशी में सारे इस पल को बदलो के बदले दुनिया सारी, आओ देखो इस चेहरे की मीठी मुस्कान, दे दू जान भी अपनी आज तो, सुन ले तेरे लिए ही तेरी हर खुशी पे, जीना मेरा तो दोबारा है तुझ पे, हैप्पी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी हैप्पी बर्थडे, happy happy birthday to you। hello hello baby, maine zyada pee li hai, jaane ab kya hoga, main hu bekhabar।
ड्राइवर, संभाल के ब्रेक मारो। स्टूपिड। तो सर इतना सब कर चुके हैं, इससे भी ज्यादा। सर की अच्छाई देखकर मुझे कुछ बातों को सेंसर करना पड़ा। अभी याद आ रहा है ना? हाँ, जरा सा। तो ठीक है, मैं जाऊँ ना? हाँ जाइए। अपना फोन नंबर देती जाओ ना। मेरा नंबर? हाँ हाँ ठीक है, सेव करो। 98410 98410 27646 27। तुम्हारा नाम सुभिक्षा है? सही कहा। तुम्हारा नंबर तो मेरे फोन में सेव्ड है, उसी दिन तो लिया था। तो मुझे इन्होंने नंबर कब लिया ये बताया नहीं आपने। इसलिए तो कहा था कि कुछ बातों को मैंने सेंसर कर दिया है। अरे नंबर कैसे लिया, प्लीज ये बताइए ना, प्लीज प्लीज प्लीज। बता दूं क्या? हाँ। इतनी दूर आके तुम अपना नंबर नहीं दे रही हो, ये कैसा, ये कैसा? अपना नंबर दोगी तो ही मैं गाड़ी में बैठूंगा। 98410 27646। अभी तुम जाओ, मैं तुमसे कल बात करता हूँ। लेकिन मैं तो आज बात करने आई थी। नहीं नहीं, मैं तुम्हें कॉल कर लूंगा, हम कल मिल लेंगे। हाँ कोई लड़का नशे में कुछ बकवास करे तो तुम उससे प्यार करोगी क्या? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। शादी, घर बसाना, ये बहुत ही बड़ा विषय है, सोच समझ कर ध्यान से कदम उठाना। ये लड़का क्या बोल रहा है? उसने आज मुझे मिलने के लिए फोन किया था, जरूर मुझे प्रपोज करेगा। हाय सुभी। मैंने जो लड़का बताया था वो बिल्कुल सही है, इज्जतदार। हाय सर। हाय। बहुत अच्छी फैमिली है। कुछ भी हो, सोच समझ कर फैसला करना, ये तुम्हारी लाइफ का सवाल है। आप क्या सोच रहे हैं सर, वो तो बताइए। मुझसे पूछोगी तो उस लड़के के लिए मैं ना बोलूंगा जिसकी तुम बात कर रही हो। ओके सर। अरे सुभी, एनीवे बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। सुभी, तुम भगवान पर विश्वास करती हो? हाँ करती हूँ विनोद, ये है तभी तो हम हैं। ये तो सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। ओम अरुणाचले ईश्वराय नमः। ये शिवजी का मंदिर है। ओ, तो बम बम भोले जय शिव शंकर। क्या आदमी है। तुम मुझसे कुछ कहना चाहते थे ना? मैं बहुत बहुत खुश हूँ। तुमने जब मुझसे आई लव यू कहा ना, मुझे यकीन नहीं हो रहा था, और दूसरे ही पल में माने बगैर रहा नहीं जा रहा था। मैं इतने दिनों से तुम्हारा वेट कर रहा था, वो तो अच्छा हुआ कि तुम खुद ही मेरे ऑफिस में आ गई। अब मैं कैसे कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आई लव यू। तुम इतने सीरियस हो जाओगे, मैंने सोचा नहीं था। तुम नशे में थे और तुमने मुझे बहुत परेशान किया, इसलिए मैंने भी तुम्हारे साथ मजाक किया। रियली सॉरी। उस दिन अगर उसने हाँ कह दिया होता तो आज मैं इसे मारने का फैसला नहीं लेता। आप सभी अश्विन को जानते होंगे, इन्होंने ओलंपिक्स में हिस्सा लिया था और देश के लिए सिल्वर मेडल जीत के लाए। हमारे देश को इस कमाल के बॉक्सर पर गर्व है। अश्विन अगले ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जरूर जीत के लाएंगे। इस अवसर पर भारत का नाम रोशन करने वाले हमारे अश्विन को इस साल के बेस्ट बॉक्सर का अवार्ड। हाँ हाय ठीक है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, मेरा पीछा क्यों करते हो? वो क्या है,
उस दिन मैं नशे में था फिर भी तुमने मुझे इतना छेला। पता नहीं उस दिन मुझे क्या हो गया था, शायद इसलिए मैं तुम्हें पसंद नहीं आया। ये गिफ्ट के तौर पे दे देता हूँ। अरे भाई ये जाते वक्त दे देना। सुबी ये वास्तु पौधा है, घर में रखोगी तो सब कुछ अच्छा होगा। भाई बोलो ना क्या? वास्तु पौधा है। हाँ, ये सब बिल्कुल सही कह रहे हैं मैडम। हाँ बस बस बस, इसलिए मुझे बस एक मौका दो, मेरे साथ बस एक बार घूमने के लिए चलो, ज्यादा नहीं, सिर्फ 9 to 6 बस। मैं तुम्हें जरूर पसंद आऊंगा, और अगर नहीं पसंद आया तो इस तरह से तुम्हारा पीछा करना, तुम्हारे बारे में सोचते हुए सो जाना, उठकर भी सोचना, ब्रश करते वक्त, नहाते वक्त, खाना खाते वक्त और प्रार्थना करते वक्त तुम ही नजर आती हो, इस तरह जबरदस्ती तुम्हें तंग करना और बार बार तुम्हारे पीछे घूमना स्टॉप कर दूंगा। ऐसा नहीं किया तो फिर कोई रास्ता ही नहीं है, तुम्हें इसी तरह डिस्टर्ब करता रहूंगा। ठीक है, कल 9 बजे ओके? हाँ ठीक है ओके, मुझे आते हुए पिकअप कर लेना। बहुत ही मुश्किल से ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है, इसे ऐसे ही मिस नहीं करना चाहिए। इस 9 to 6 टाइम में कुछ भी करके इसे इम्प्रेस करना ही होगा। सर सच बोलूं तो आपको अगर किसी लड़की को इम्प्रेस करना है तो कम से कम 5 साल लगेंगे। कमला मल्टीप्लेक्स में कमाल की रोमांटिक फिल्म लगी है, किसी के साथ देखेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। वो नहीं अब ये वाला दो ना। मैं वो फिल्म पहले ही देख चुका हूँ, वापस कैसे देखूं यार? एक और बार देख लो सर, बहुत मजा आएगा। ठीक है मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ। वो मैं सर से बात कर रहा था। कमला मल्टीप्लेक्स चलते हैं। आपकी सीट इधर है सर, और आपकी सीट उधर है मैडम। कॉर्नर सीट मांगी थी, नॉर्थ पोल साउथ पोल नहीं, क्या करूं? इससे दूर तो बैठ गई, लेकिन ये कुछ ना कुछ जरूर करेगा। एक्सक्यूज मी, इफ यू डोंट माइंड, आप कॉर्नर सीट पे आ सकते हैं प्लीज? थैंक यू। जानती थी यही होगा। अरे ये कैसे ओके है, आप उसके बगल में नहीं हो? जरा ध्यान रखिए सर, टिकट आपने ली है, बाजू में कोई और, अब ये तो गलत है ना। ठीक है बाद में बात करते हैं। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो, जिंदगी अब तुम ही हो। फिल्म खत्म होने से पहले पहुंच जाएगा। मेरा दर्द भी मेरी आशिकी अब तुम ही हो। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो, मेरी आशिकी। बहुत अच्छी फिल्म है, कितनी इमोशनल है ना। 1 और 28 में इतना डिस्टेंस होता है, ये मुझे आज पता चला। नेक्स्ट। भूख लगी है। मुझे इतना परेशान किया है, आज नमक, इमली, कड़ी, नींबू, मसाला सब ऑर्डर कर देता हूँ। जी और कुछ लेंगे? एक्सक्यूज मी, यहाँ। यस सर, ऑर्डर लीजिए। हाँ बोलिए सर। एक चिकन 65, एक चिकन मसाला, एक चिकन पेपर मसाला, एक चिकन पेपर ऑनियन फ्राई, एक चिकन टिक्का, एक चिकन रोस्टेड, एक चिकन बिरयानी, एक चिकन। मेन्यू कार्ड में जो जो लिखा है सब कुछ दे दूँ क्या? हाँ ये ठीक रहेगा, सुपर थैंक्स। सुनिए वो मटन में भी सेम मेनू फॉलो करना। हाँ ठीक है सर। Yes, ma'am. एक दाल खिचड़ी प्लीज। ओके मैम। दाल खिचड़ी खाओगी? ऑर्डर करने से पहले पूछना चाहिए ना मैं वेजिटेरियन हूँ या नॉन वेजिटेरियन। सुनिए ये सब कुछ पार्सल कर दीजिए। दाल खिचड़ी, अब मुझे पता चला उसकी इतनी खूबसूरत फिगर का राज, दाल खिचड़ी।
बहुत पापड़ बेलने होंगे। मनी फोन रख। ये बात बिल्कुल सही। आने से पहले कोई टोटका तो नहीं करके आई है? सुबह से जो कर रहा हूँ गलत ही हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। सुनो सुनो, एक मिनट लेफ्ट में रोकना प्लीज, जरा लेफ्ट में रोक दो ना। अरे जल्दी देना भाई। अरे हाँ हाँ दे रहा हूँ ना भाई साहब। हाँ? आप वेज हो या नॉन वेज? मैं दोनों खाता हूँ। ओहो, मेरे पास कुछ चिकन पड़ा है, खाओगे क्या? हाँ आइए ना आइए। ये लीजिए। आज कोई खास दिन है? नहीं क्या? कुछ नहीं, हफ्ते में एक दिन नॉनवेज दान करने के बारे में सोचा है, इसलिए ले जाइए ना। थैंक यू। ओके भाई। अरे अभी आइए ना, ये लो खाओ, बहुत टेस्टी है, ये लो। अरे आप सब क्या देख रहे हैं, आइए ले जाइए। ये लीजिए ये लीजिए खाना। अभी तो इधर रूम में अभी आया। थैंक यू सर। कैसा है भाई? बहुत टेस्टी है भाई। सॉरी भाई, खत्म हो गया। खत्म हो गया? हाँ। अबे कौन है बे तू? क्या हुआ भाई? अबे क्या नहीं हुआ ये पूछ, मैं इस स्टॉल का मालिक हूँ और रोज यहाँ से 30 से 35 प्लेट खाना बेचता हूँ, समझा क्या? एक प्लेट का 48 रुपए, 35 प्लेट का पैसा दे चल। लेकिन मैं किस लिए पैसा दूंगा? मैं किस लिए दूंगा? ये जो तूने खाना बांटा है ना, ये सारे मेरे कस्टमर्स है, अगर तू इनमें खाना बांटेगा तो मेरा नुकसान कौन भरेगा? मैं भी क्या करूँ भाई, मैंने मन्नत जो मांगी थी। अबे पैसे निकाल चल। देता हूँ ना, 48 × 35 होता है अब। हाँ ये लो 720। 720 रुपया कौन से स्कूल में पड़ा है? 1680 रुपया हुआ, बाकी निकाल। इतना पैसा नहीं है मेरे पास। क्या बोला, पैसा नहीं है? ठीक है गाड़ी छोड़ के जा। गाड़ी? ए चाबी निकाल, बाद में दे दूंगा। ले निकल। ए तेरा पैसा फोकट में नहीं चाहिए, सुन रहे? खाना बांध के दे इसको। मच्छी करी की खुशबू मस्त है ना? ये खुशबू नहीं बदबू है। हाँ वेजिटेरियन जो हो, आज सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, सीधे भाग जाना चाहिए। यहाँ एक मिनट लेफ्ट में रोकना। आज तुम्हारे साथ ट्रैवल करने के बाद टाइम का तो पता ही नहीं चला, लग रहा था तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए 9 to 6 टाइम कम पड़ेगा, लेकिन 9 to 5 में ही हो गया। हा? क्योंकि तुम्हारी आंखों में मेरे लिए प्यार दिख रहा है। हाँ, अभी मत बोलना, पहले घर जाओ, फ्रेश होकर खाना खा लो, कल सुबह आराम से बोलना। मुझे पता है तुम्हारा जवाब क्या है, बट मैं चाहता हूँ कि तुम खुद ही बोलो तो अच्छा लगेगा। चलता हूँ। हो सके तो सिर्फ एक हेल्प कर देना। क्या बोलो? कुछ नहीं, अभी इतना समय जो हम दोनों ने साथ में बिताया, अगर मेरी कोई हरकतें तुम्हें खराब लगी हो तो बता देना, मैं चेंज कर लूंगा। मुझे तुम्हारी एक ही हरकत पसंद नहीं आई। मुझे लगा आज जो भी हुआ वो तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगा होगा। एक ही हरकत ना, बताओ कौन सी हरकत? प्यार के लिए एक लड़की के पीछे तुम पागलों की तरह घूम रहे हो, ये बात पसंद नहीं आई। लड़का जाबाज होना चाहिए, मुझे उस टाइप के लड़के ज्यादा पसंद है। ओ अच्छा। कल से नहीं, आज से ही, इसी सेकंड से, जाबाज। जाबाज बोले तो विनोद, विनोद बोले तो जाबाज, जाबाज विनोद, चलता है अपन। ड्रामेबाज। मुझे ये लड़का पसंद है सुभी। आपको पसंद है? पर उस दिन तो आपको ये लड़का पसंद नहीं था। इसलिए कि वो लड़का पी के बकवास कर रहा था, तुम जानती हो मुझे तुम्हारी फिक्र है, इसलिए मैंने तुम्हें मना किया था। लेकिन आज जो उसने किया, उससे तो लगता है कि मैं गलत था, वो लड़का काफी संस्कारी है। उसने कभी भी तुम्हारे साथ गलत बर्ताव नहीं किया। अकल नहीं है, एक लड़की को कहां ले जाना है? उसकी हरकतों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो लड़कियों के पीछे घूमने वाला होगा। मेरा बेटा भी ऐसा ही है, एकदम भोला, लेकिन अब भी बोल रहा हूँ। ये मेरी जिंदगी है, मुझे ही फैसला करना है, यही कहना चाहते थे ना? ठीक है, मैं ही फैसला कर लूंगी। हाय, वो क्या है, तुम्हारा जवाब हाँ हो या ना हो, मुझे तो खुशी रहना पड़ेगा ना। अगर हाँ हुआ तो फ्रेंड को ट्रीट देनी पड़ेगी, और ना हुआ तो बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा कि मैं तुम्हें कैसे मनाऊं।
प्यार व्यार सब ठीक है। ओह, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। कंडीशन? क्या कंडीशन है? किसी को मारना होगा। क्या कहा? मारना होगा? किस लिए? किस लिए? छी छी छी, जाओ जाओ जाओ, आए बड़े प्यार करने वाले। छी छी छी, जाओ जाओ जाओ, मुझे ये देना। ओके। क्या है? इस कार्टून को साथ क्यों ले आए हो? मैम। थैंक यू। मैंने तो बस तुमसे किसी को मारने के लिए कहा है। क्या? ये मुझसे सवाल कर रहा है, कल मैं इससे कुछ और मांगूंगी तो फिर मुझसे सवाल करेगा, हमेशा सवाल करेगा। नहीं नहीं, सवाल नहीं करूंगा। इतने सवाल करने वाले के साथ मैं अपनी जिंदगी नहीं बिता सकती हूँ, हमारा कुछ नहीं हो सकता। छी छी छी, जाओ जाओ जाओ। सुनो, सोचने वाले को प्यार नहीं करना चाहिए और प्यार करने वाले को सोचना नहीं चाहिए। अगर उसने पत्थर गले में बांधकर नदी में कूदने को कहा ना, तो कूद जाना चाहिए, किसी तरह किनारे लग ही जाओगे। अगर गले में पत्थर बांधकर नदी में कूदने के बाद कैसे बचोगे ये सोचते रहे ना, तो कूद भी नहीं पाओगे और किनारे भी नहीं लगोगे। तो क्या करूँ, कूद जाऊँ? कूद जाओ दोस्त। सुबी, मार दूंगा। वो, मैं उसे मार दूंगा। नहीं, जिस तरह पहले बोला था ठीक उसी तरह बोलकर दिखाओ। समझा नहीं? मार दूंगा। मार दूंगा। कौन है वो? इसका नाम अश्विन है, तुम्हें जिसे मारना है यही है वो। अगर किसी और को मारने को कहती तो मैं चुपचाप उसके साथ समझौता करके निकल लेता और तुम्हें बताता भी नहीं। अगर पता होता कि तुम इसे मारने के लिए कह रही हो तो मैं उसी वक्त हाँ कह देता, मार दूंगा। क्या? जिस दिन उसे मारने का फैसला किया उसी दिन मैंने बॉक्सिंग क्लास ज्वाइन की। मेरे लिए वहां सब कुछ नया था, लेकिन कुछ वक्त बाद सब कुछ पुराना लगने लगा। लेकिन बाद में यह पता चला कि यहां पर जो भी प्रैक्टिस होती है उसमें कुछ भी नया नहीं है, और तब मुझे यह एहसास हुआ कि मुझे यहां से चले जाना चाहिए। लेकिन सिर्फ क्लास बदलने से कुछ नहीं होता, खुद को भी बदलना पड़ता है। इस बार ओलंपिक में अश्विन और देवेंद्र सिंह में से कोई एक ही सेलेक्ट होगा ऐसा लगता है। चांस ही नहीं, अश्विन ही होगा। वैसे ये अश्विन है कौन? 7 साल हो गए ज्वाइन किए, ये रहा, कमाल का बॉक्सर है। मैं जिससे लड़के जीतने की सोच रहा हूँ वो तो एक काबिल और मशहूर बॉक्सर है। चुप, मेक योर मूव। अगर उससे जीतना है तो मुझे इन सबसे कुछ अलग, कुछ हटके करना होगा। रोजाना मैं प्रैक्टिस तो करता हूँ, लेकिन बिना कोच के सही तरीके से सीखा नहीं जा सकता, इसलिए मैंने अपने लिए एक कोच ढूंढा। सुनो, हा? तुम्हारा ही नाम विनोद है ना? हाँ। तुम जिस आदमी को ढूंढ रहे हो वो मैं ही हूँ। जी नहीं, मैं बॉक्सिंग कोच को ढूंढ रहा हूँ। क्यों, सिक्योरिटी वाला बॉक्सिंग कोच नहीं हो सकता? मैं 1988 में स्टेट गोल्ड मेडलिस्ट था। ये जगह और ये कोच दोनों मुझे बहुत पसंद आए। जब उन्होंने कहा कि कल मेरा एक बॉक्सिंग मैच है तो मैं बहुत खुश हुआ और पूरी मेहनत के साथ तैयारी करने लगा। मास्टर, मैं इस बच्चे के साथ नहीं लड़ सकता। फाइट। 16 साल के लड़के से हारने के बाद अपने आप पर मुझे बहुत अफसोस होने लगा। उस लड़के से हारने के बाद मैं ये सोच रहा था कि मेरा अगला बॉक्सिंग मैच कब होगा, और जब वो दिन आया
मास्टर, ये तो बहुत बूढ़े हैं, अगर गलती से इन्हें कहीं चोट लग गई तो। शुरू हो जा, चल खड़े हो जा। तू कभी भी बॉक्सर नहीं बन सकता, तू किसी काम का नहीं है, चल जा। वो नहीं जानते थे कि मैं बॉक्सिंग किस लिए सीख रहा हूं, और अब मेरा ये रास्ता भी हमेशा के लिए बंद हो गया। अब मैं कहां से शुरू करूं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। जो कुछ भी मुझे आता था वो पुजारी के सामने मैं करके दिखा रहा था। और तभी उस पुजारी ने मुझे बताया कि बॉक्सिंग में पंच करना जितना जरूरी होता है उसी तरह मिस करना भी जरूरी है। मैंने मिस करना सीखना शुरू कर दिया। ए, बीच सड़क में क्या कर रहा है? मिस कर रहा था भाई। मुझसे मिस हो जाता ना, गया था। घर शिफ्ट करोगे तो ढूंढ नहीं पाऊंगी। अरे भैया नहीं रहता, मैं सच कह रहा हूँ, यहाँ आता तक नहीं। फोन करो तो उठाता नहीं है। मैंने कहा ना तुमसे, वो यहाँ नहीं है। पहले पहले तो बॉक्सिंग मुझे सिर्फ खेल लगता था, लेकिन जब असलियत देखी तब पता चला कि ये खेल से भी बढ़कर है। जब तक खून ना बहे तब तक एक दूसरे को मारते रहते हैं। जब मैंने उसे मारा तो पब्लिक की तालियों की गूंज में मैं जैसे कहीं खो गया। से भी लड़के जीता नहीं हूं। आज तो क्या गंदा धुला ही है। लेकिन मुझे हराने वाले एक एक आदमी से कुछ सीखा हूं, और इतनी बार हारने की वजह से बार बार बस उसे जीतने की सोचता रहता हूं। आपको पता चल गया ना सर, वही मैं सोचूं कि आपको कैसे नहीं पता चला। आप मेरे कोच जो हैं, मुझे अच्छी तरह जानते हैं। अगर मैं उस मैच में जानबूझकर नहीं हारता तो क्या होता, यही सोच रहे हैं ना आप? इसकी जगह गोल्ड मेडल होता, बस इतना ही। पीएम ने, सीएम ने, हमारी गवर्नमेंट ने घर दिया, पैसा दिया, काम भी दिया, पब्लिक की आंखों में सम्मान दिया, मीडिया ने तो मुझे सिर पर बिठा लिया, अगले 4 साल तक 650 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट भी मिला, बस इतना ही। लेकिन उस मैच को हारने की वजह से स्विस बैंक के मेरे अकाउंट में 500 करोड़ रुपए आ गए हैं। सर, आज सब कुछ बिजनेस है, मैं खेल में हार के बिजनेस में जीता हूं। सर, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, ये बात किसी को बताइएगा नहीं। इंडिया का बॉक्सर जानबूझ के ओलंपिक में मैच हारा है, ये बात सुनकर हमारे देश के लोगों को बहुत दुख होगा, इसलिए तूने जो गद्दारी की है वो मैं किसी को नहीं बताऊंगा। गुड बाय अश्विन।
चोर है क्या? हाँ? अबे यहाँ पर चोरी करने लायक कुछ भी नहीं है। खैर छोड़, मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए तुझे जो कुछ चाहिए वो लेके जा, सिर्फ उस मेडल को छोड़ दे। मुझसे फाइट करेगा? ये चाहिए तो पब्लिक के सामने मुझसे जीत के ले जा। स्पॉन्सर्स आने वाले हैं, तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगा। What the hell? You know how much we invested on you? 650 crores. जानते हो किस लिए? इसलिए क्योंकि इस देश में एक्टर्स और स्पोर्ट्स पर्सन किसी भी प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। कोई अनजान आदमी तुम्हारे बेडरूम में आकर तुम्हें मार कर चला गया, ये बात अगर बाहर गई ना तो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूंगा। आप समझ गए? प्लीज अब बैठिए तो सर। इस पानी को ड्रेन कर दो। इससे पहले तुमने उसे कहीं देखा है? लग तो रहा है कि देखा है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है। क्या उसने कोई डिमांड की? आपने वॉचमैन से पूछा क्या? उसने बहुत शराब पी ली थी, क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं है सर। सीसीटीवी के कैमरे में कुछ रिकॉर्ड हुआ होगा ना? उसका मुंह ढका हुआ था, अंदर आने से पहले उसने सारे कैमरास तोड़ दिए। अब उस आदमी का पता हमें ही लगाना होगा, हमें उसे हर हाल में ढूंढना होगा, पता करना होगा कि आखिर वो चाहता क्या है। अब जो करेंगे हम ही करेंगे, इस बारे में वॉचमैन से बात करने की जरूरत नहीं है। सर, इस खबर को अपने तक ही रखना, अगर बाहर पता चल गया तो बहुत नुकसान होगा। आगे की सारी मीटिंग्स, प्रेस कॉन्फ्रेंस सब कैंसिल कर दो। ओके सर। सिर्फ पैसों के लिए तुमने अपने देश को धोखा दिया है अश्विन, ये उसी की सजा है कि एक मामूली आदमी तुम्हें मार के चला गया। वो मामूली आदमी ही है, अगर मैं नशे में नहीं होता तो वो मुझे हरा नहीं पाता। अब मैं उसे हराऊंगा नहीं, खत्म कर दूंगा। हेलो, इतने दिन से तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? मैंने तुम्हें उसे मारने के लिए कहा था, मुझे पता होता वो इतना बड़ा बॉक्सर है तो
तो मैं तुमसे कभी नहीं कहती। ठीक है छोड़ो, उसे मारने की जरूरत नहीं। मार दिया। तुम्हारे लिए मैंने फोन में रिकॉर्ड भी किया है, आके देख लो। सच में? तुमसे मिले बहुत दिन हो गए, तुमसे मिलना है। और हाँ, आते समय रास्ते में ये सोच लेना कि मिलने के बाद मुझसे आई लव यू कहोगी या नहीं। वीडियो दिखाओ ना। फोन नीचे गिर गया तो ऑफ हो गया।
तो फिर वो वीडियो? फोन ऑन नहीं हो रहा है। मैंने तुमसे कहा था उसे नहीं मारोगे तो भी चलेगा, फिर झूठ क्यों बोल रहे हो? जाओ। ए, सुबि, सुबि, सबको जल्दी है बॉस, दुकान के बाहर कितनी भीड़ है देखो। वो सब भी यहाँ अपना मोबाइल रिपेयर कराने ही आए हैं। अच्छा, इसमें जो वीडियो है वो डिलीट तो नहीं होगा ना? चेक करके ही बता पाऊंगा कि वीडियो है कि नहीं, पता लगते ही फोन करूंगा। ठीक है। क्या है ये, सब कुछ खत्म हो गया। चाहे कितने नशे में हो, इंटरनेशनल बॉक्सर इस तरह मार नहीं खाता। इसकी वजह से तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। सर अभी अपलोड हुआ है, ब्लॉक करने की बात कर चुका हूँ। कहा है 4 घंटे में वीडियो ब्लॉक हो जाएगा। साइबर क्राइम वालों से बात हो गई है, वो वीडियो अपलोड करने वाले को पकड़ ले। अपलोड करने के 15 मिनट के अंदर ही 50,000 लोगों ने इस वीडियो को देख लिया है। सर 1 मिनट सर, प्लीज। हेलो, तुमको पता है अश्विन का एक नया वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हुआ है? अच्छा। हाँ, किसने किया? पता नहीं, उसमें तो वो मार खा रहा है। अरे वो वीडियो असली नहीं, फेक है सर। पर उसको देखने से तो वो एकदम असली लगता है। वो असली नहीं है, कंफर्म करने के लिए फोन किया था। ओके थैंक्स। सर इससे पहले कि मीडिया हमारे बारे में अनाप शनाप लिखे, हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर क्यों ना ये वीडियो फेक है ऐसा उन सबको बता दें। ये सब मैं संभाल लूंगा, लेकिन इसके लिए आपके सपोर्ट की जरूरत है सर। चलो ठीक है, छोड़ूंगा नहीं उसे। पब्लिक में प्रेस मीटिंग रखेंगे तो वो जरूर आएगा, उसे मार के खत्म करके मेडल ले लेना। ये सब हम उसको बाहर लाने के लिए कर रहे हैं, बस अच्छी प्लानिंग करनी होगी। ये लो। ओह थैंक्स ब्रदर। हाँ ओके सर। शायद इसे पता नहीं है कि हमने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर दिया है। तो आई लव यू बोलो। जानते हो मैंने तुम्हें उसे मारने के लिए क्यों कहा? छी छी छी, जाओ जाओ जाओ। एक लड़की ने मारने के लिए कहा तो मैंने मार दिया, और क्या। चलो अब तो आई लव यू कह दो ना। पहले पूछो मारने के लिए क्यों कहा। नहीं, पहले तुम मुझे आई लव यू बोलो। पूछो ना। चलो ठीक है बताओ। मैंने ये सब खुद के लिए नहीं किया, तुम्हारे लिए किया है। माँ 7 मिनट्स। मैं जब कॉलेज में था तो इसे 2 मिनट में फिनिश करता था। 2 मिनट नहीं, 5 मिनट दूंगा तब भी आप फिनिश नहीं कर पाओगे। तो लगी बैठो। अरे फिर बैठो बैठो बैठो। क्या बैठे, चलिए बताइए। अगर मैं जीता तो तुम टकले होगे और मेरी कही हर बात मानोगे, ठीक है। मैं जीता तो जैसा मैं कहूँगा वैसी दाढ़ी रखनी पड़ेगी। ओके रुकिए। वेट वेट वेट, स्टॉप वॉच सेट करता हूँ। रेडी 1 2 3 बोलूंगा तो आप स्टार्ट कर दीजिए। 5 मिनट होते ही गेम ओवर। रेडी हो? हाँ। 1 2 3। माँ पति है इसलिए आप कोई चीटिंग मत करना। ए, जब बात न्याय की आती है ना बेटा, तब मैं पति और बेटा कुछ नहीं देखती, न्याय करती हूँ। इस बात का मान रखना माँ। हेलो, अरे वाह, आपने तो बड़ी जल्दी मैच कर दिया। ए, अपने बेटे को जिताने के लिए मेरा ध्यान मत भटकाओ। कितना टाइम हो गया? 4 मिनट 16 सेकंड।
हे अरे आप मजाक ही कर रहे थे ना, अगर वो टकला हो गया तो अच्छा नहीं दिखेगा, उसे कोई लड़की कैसे मिलेगी। अरे लेकिन आप हार जाइए। हाँ ठीक है मैं आ जाऊंगा। हाँ माँ हो गया क्या? 5 मिनट हो गए। ओ 5 मिनट में हो भी गया? बेचारे मेरे पति तो हार गए। इसका मतलब मैं जीत गया। रहने भी दे बेटा, मैंने अगर शेव कर ली तो मेरा चेहरा अच्छा नहीं दिखेगा, प्लीज। कोई बात नहीं, डिजाइन बना रहा हूँ। सुनिए आप बड़े अजीब से दिख रहे हैं। हे, ये तो आजकल का फैशन है समझिए। माँ पिताजी स्टाइलिश दिख रहे हैं। बता इसे, अपनी माँ को स्टाइल के बारे में बता। जिंदगी में 3 बार ही चूड़ीदार पहना होगा, इन लड़कियों की तरह जींस पहन के दिखाओ। बोलो बोलो। पहन सकती हूँ ना? हाँ पहन सकती हूँ। ठीक है बताओ क्या खाओगी? भूख तो लग रही है, कुछ भी लिया। नेचोस खा लो। क्या नेचोस? ठीक है मैं लेके आता हूँ। अंकल की दाढ़ी तो देखो। सुनिए वो लड़की आपको देखकर हंस रही है। हंस नहीं रही है, लाइन मार रही है। देखो। ओ, तीनों के लिए। हाँ पिताजी आप कोक ले आइए बस। हाँ लाता हूँ, जरा 3 कोक देना। ये लो माँ। ये क्या है? हॉट डॉग। कुत्ता। माँ कैसे खाते हैं? अरे काट के खाओ। अश्विन व्हाट ए प्लेजर यार, क्या बात है। हाउ यार? आई एम ओके बट यू आर लुकिंग ग्रेट। थैंक यू। अश्विन व्हेन इज द नेक्स्ट चैंपियनशिप? मे बी जून और जुलाई। ओके ऑल द बेस्ट। तुझसे लड़ने नहीं आया बेटा। अरे विनोद, अगर कोई गलती हो गई तो माफ कर दो। ये देख उसने क्या किया। घबरा मत बेटा, तेरे पापा संभाल लेंगे। मैं पूछ देता हूँ बेटा। मेरे बाप पर कोई हाथ उठाता ना तो मैं उसे मार ही डालता। हाँ यार अभी भी दूध पीता बच्चा है। लड़ाई झगड़ा तो हमें आता ही नहीं, बेशक वो पैसे वाला आदमी होगा, लेकिन इस वजह से मैंने उससे माफी नहीं मांगी। इसकी वजह है मेरा बच्चा। तुम्हारी परवरिश अच्छी तरह हो, बस मेरी यही इकलौती ख्वाहिश थी। तुम एक संस्कारी बच्चे हो, मेरे लिए बस यही बहुत है।
आप उसे देखते ही मुंह फेर के चले जाते हैं और वो भी ऐसा ही करता है। तुम क्यों चिल्ला रही हो? ये क्या है? कल रात लड़ाई हुई थी ना, वहीं गिर गया होगा। विनोद को पता चलेगा तो उसे दुख होगा, इसलिए आपने ये बात मुझसे क्यों छिपाई? मुझे तो बता दिया होता। मैं कसम से कह रही हूँ, वो आदमी कभी सुखी नहीं रहेगा। एक बार मुझे तो बता ही सकते थे। माँ, दो तीन दिन के लिए मैं फ्रेंड के घर पे जाकर रहूं क्या? पिताजी का चेहरा मुझसे देखा नहीं जा रहा है, बहुत दुख हो रहा है माँ। प्लीज माँ। अब मुझे सारी बात समझ आ गई कि आप अचानक उस दिन से ऑफिस क्यों नहीं आए, यहाँ तक कि आपने किसी का फोन भी नहीं उठाया, आपने सबको अवॉइड किया। मेरी आंखों के सामने उसने मेरे बेटे को मारा और मैं कुछ भी नहीं कर पाया बेटी, इस बात का अफसोस है मुझे। अपनी नजरों में गिर गया हूं मैं। मेरे बेटे के सामने मुझे मारा और मेरा बेटा भी कुछ नहीं कर पाया। हर बच्चे के लिए उसका बाप उसका हीरो होता है और हर बाप के लिए भी उसका बेटा उसका हीरो होता है, लेकिन हम दोनों ही हार गए, हार गए। उस दिन से मैं अपने बेटे से नजर नहीं मिला पाया, उसे भी यही एहसास हो रहा होगा, इसलिए वो दो चार दिनों के लिए अपने दोस्त के यहां रहने के लिए गया है और अभी तक नहीं आया। आज से देखे 10 दिन हो गए बेटी, आज मुझे लगता है उस दिन मेरे बेटे ने उसे मारा होता तो मुझे बहुत खुशी होती, लेकिन मेरा बेटा बहुत ही भोला भाला है। तुम्हारे पापा मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। उस रात तुम्हारा एड्रेस ढूंढने के लिए मैंने तुम्हारा पर्स चेक किया, तभी मुझे तुम्हारी फैमिली फोटो मिली, तब मुझे पता चला कि तुम रघु जी के बेटे हो। तुम अपने पापा के सामने मार खा रहे थे, ये तुम्हारे पापा को बर्दाश्त नहीं हुआ। अगर उस वक्त तुम अश्विन को मारते तो तुम्हारे पापा को खुशी होती, इसलिए बिना कुछ सोचे समझे मैंने तुम्हें उसे मारने के लिए कह दिया। अगर उसने मेरे पिताजी को नहीं सिर्फ मुझे ही मारा होता तो उसने की हुई मेरी बेइज्जती मैं चुपचाप सह लेता। उसने सबके सामने मेरे पिताजी पर हाथ उठाया और मैं वहां होते हुए भी कुछ नहीं कर पाया, बस मजबूर लाचार पड़ा रहा। उस दिन मुझे कुछ ना हो इसलिए पिताजी ने अश्विन से हाथ जोड़कर माफी मांगी। उस दिन जब तुमने मुझे अश्विन को मारने के लिए कहा तो उसे मैं मार पाऊंगा या नहीं ये सोचे बिना ही मैंने हाँ कह दिया था। उसकी वजह सिर्फ पिताजी थे। मुझे दूसरे दिन ही पता चला कि तुम मेरे पिताजी के ऑफिस में काम करती हो। मैं जानता था कि तुम्हें पता चल गया होगा कि उसने मुझे मारा था, इसलिए तुम्हें फेस करने की मुझमें हिम्मत नहीं थी। मैंने तभी फैसला किया कि मैं उसे मारने के बाद ही तुम्हारे सामने आऊंगा, इसलिए तुमसे मिलना तुम्हारा फोन उठाना मैं अवॉइड करता रहा। आई लव यू। आई लव यू टू। चलो तुम्हारे पापा को बताते हैं। द नंबर यू आर ट्राइंग टू कॉल इज नॉट रीचेबल। क्या हुआ? नॉट रीचेबल। मशहूर बॉक्सर अश्विन, जिन्होंने ओलंपिक्स में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता, उनका किसी ने इंटरनेट पर वीडियो अपलोड किया है जिसमें वो मार खाते हुए नजर आ रहे हैं। जिसने ये वीडियो अपलोड किया है उसका अभी तक पता नहीं लग पाया है, इसीलिए मिस्टर अश्विन ने पब्लिक के सामने अपनी बात रखने के लिए मीडिया को बुलाया है।
वो वीडियो जो इंटरनेट पर अपलोड हुआ है। सुबी, पिताजी मुझे फोन कर रहे हैं। अच्छा, उठाओ ना। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मुझे पता है आप सब लोगों ने वो वीडियो देखा होगा, लेकिन आपको एक बात पता नहीं है कि वो वीडियो फेक है। आप सभी जानते हैं कि अश्विन से अगर वो छोटी सी भूल ना हुई होती तो ओलंपिक गोल्ड मेडल का हकदार ये होता। अब आप लोग ही फैसला कीजिए कि ऐसा कोई है जो अश्विन जैसे इंटरनेशनल बॉक्सर को मार सकता है। hey! कौन है? मेरा बेटा है। अगर ऐसी बात है तो उसे बुला, यहीं अभी के अभी, इन सब के सामने। मैं उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हूँ। आ रहा है वो। सच में कोई आने वाला भी है या ये आदमी यूं ही टाइम पास कर रहे हैं? आप कौन है सर? रघुराम, बैंक में काम करता हूँ। और आपका बेटा? विनोद, फोरम मॉल में मार्केटिंग मैनेजर है। एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव एक इंटरनेशनल बॉक्सर को कैसे मार सकता है सर? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। विदाउट एनी एविडेंस हाउ कैन वी ट्रस्ट यू सर? अगर ये जीता तो हम एग्रीमेंट कंटिन्यू करेंगे, और अगर हारा तो कैंसिल समझो। तूने इसे मारा था ना? आज फिर से मार। अपना ही दोस्त है, आगे देख कैसे धोएगा। जिस लड़के से मैं प्यार करती हूँ वो आप ही का बेटा है। इंटरनेशनल बॉक्सर ऐसे मार खा रहा है?
क्या मारा है? विनोद, लगता है आज हार जाएगा। मेरा दोस्त हारेगा तो नहीं ना? है, चाय पीने देना यार। विनोद आज यहाँ जीत गया क्योंकि उसके अंदर बहुत क्रोध था, और अश्विन आज यहाँ हार गया क्योंकि उसमें झूठा अहंकार था। इतने बड़े बॉक्सर को बिना प्रैक्टिस के हराना कोई मामूली काम नहीं था, लेकिन विनोद को शक्ति मिली उसके प्यार से। उसे अपने पिता की खोई हुई इज्जत को वापस लौटाना ही था। इसीलिए कहते हैं ना कि जब एक आम आदमी को गुस्सा आता है तो वो किसी घायल शेर से ज्यादा खतरनाक और जानलेवा बन जाता है। विनोद ने यह साबित कर दिया कि जब तक हम जीत ना जाए हमें हार नहीं माननी चाहिए। जीत गया मेरा दोस्त। अगर इसे मारना गलत है तो मैं माफी मांगता हूं। इसके साथ मेरी जाती दुश्मनी है, आप लोगों की तरह मेरा भी घर और परिवार है। आज ये अश्विन सिर्फ इसलिए हारा है क्योंकि इसने मेरे पिताजी की बेइज्जती की। आम आदमी को कभी भी आम नहीं समझना चाहिए क्योंकि हर आम आदमी में कोई खासियत होती है।